हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने देखा कि किस तरह से 1973 तक पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बनने के प्रोसेस को हमने देखा। 1972 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्ड था उसको डिटेल में डिस्कस किया, जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर फीचर्स किस तरह के होंगे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पेंडिंग रखा हुआ है, लास्ट सेशन के अंदर हम जाके देखेंगे, क्योंकि इसमें 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अभी तक। पहले हम ये अमेंडमेंट्स देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बाद हम चलकर देखेंगे आगे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो करंट फॉर्म है उसकी। हमारे पास ऑलरेडी हम 8 अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। आज हम अमेंडमेंट नंबर 9 से लेकर अमेंडमेंट नंबर 12 तक डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो 9th अमेंडमेंट है ये पास नहीं हो सकी। इस अमेंडमेंट में ये प्रपोज किया गया था कि जो कुरान और सुन्नत है ये पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम लॉ के तौर पर काम करेंगे, यानी कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का सिस्टम है, फाइनेंस बैंकिंग का सिस्टम है, और इसके अलावा अदालतों के अंदर जो फैसले होते हैं, कवानीन जो नाफज किए जाएंगे, जो केसेस चलेंगे, वो सारे के सारे कुरान और सुन्नत के प्रिंसिपल्स के मुताबिक ऑपरेट किए जाएंगे। 10th अमेंडमेंट 29 मार्च 1987 को पास होती है। आर्टिकल 5461 अमेंड किए गए और ये एक माइनर सी अमेंडमेंट थी, जिसमें जो इंटरवल था नेशनल असेंबली के सेशंस का वो 160 डेज से कम करके 130 डेज किया गया। यानी कि पहले असेंबली का सेशन 160 दिन के बाद होना था, अब 130 दिन के बाद होगा। जो 11th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी एक माइनर सी अमेंडमेंट थी। इसमें नेशनल असेंबली में खवातीन को 20 सीट्स दी गई। 12th अमेंडमेंट 28 जुलाई 1991 को पास की गई। इसमें 5th शेड्यूल अमेंड किया गया और एक न्यू आर्टिकल एड किया गया, आर्टिकल 212B। अब इस आर्टिकल के अंडर स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी, जो हीनियस ऑफेंसेस जो होंगे, उनके जो क्रिमिनल्स होंगे उनके ट्रायल को स्पीडी बनाने में अपना किरदार अदा करेंगी और स्पीडी ट्रायल को इंश्योर करेंगी। अब हीनियस ऑफेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे जो है वो संगीन जुराइम होते हैं जिससे पब्लिक की जो मोरलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जैसे जो है वो मर्डर, ठीक है, और इसके अलावा जो असमत दरी है, यानी कि फोर्सफुल रेप जो है वो किसी खातून का, और साथ ही साथ जो है वो रॉबरी की तरह के केसेस, या असले का इस्तेमाल जिससे किसी इंसान को इंजरी हो सकती है या उसकी डेथ हो जाए, तो इस तरह के जो ऑफेंसेस थे ये उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, इनका ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया था। तो 12th अमेंडमेंट के थ्रू कोर्ट्स बनाई गई स्पेशल, जो इन ट्रायल्स को जो है वो फास्ट करने में, स्पीडी करने में अपना किरदार अदा करेंगी। जजेस की सैलरीज भी बढ़ा दी गई 12th अमेंडमेंट के अंदर। ऑलमोस्ट जजेस की सैलरी जो थी वो वेरी कर रही थी 5000 से 8000 तक, तो उस वक्त ये काफ़ी अच्छी अमाउंट थी 1991 के अंदर।